अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन नुसरत फैमिली। तो फाइनली वो डे आ चुका है वापस बहरीन जाने का, तो फिर से स्टार्ट होता है ट्रैवल व्लॉग। तो बस निकलने का टाइम हो चुका है और जैसा कि आपने देखा अभी आयशा की सब फ्रेंड आई थी मिलने के लिए, और ये देखिए मेरी मम्मी एंड भाई बहुत मायूसी के साथ वो लोग ये ड्रॉप करेंगे। और बस गाड़ी आ चुकी है, आयशा का बैग मामू लेके आ रहा है। और ये देखिए गाड़ी सामने लगी हुई है, ये ओला है और सब लगेज रखा रहे हैं। और जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बच्चों का स्कूल भी है, सब कुछ सेटअप है वहाँ पे, तो इसलिए जाना पड़ेगा। और सब आयशा के फ्रेंड मिलने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है, जब तक हम लोग नहीं जाएंगे तब तक वो लोग शायद वहीं पर रहेंगे। और ये देखिए सब आयशा की फ्रेंड जो कि साथ में रोज़ खेलती थी, और वो लोग भी काफ़ी सैड थी। और ये देखिए अम्मी के साथ बहुत ही क्या बोला जाए, बहुत ही सैड डे था। मम्मी अब जा रही हो क्या? नानी रो रही है। रोइए मत, रोइए मत नानी, हमेशा के लिए भी जा रहे, आएंगे फिर से। बस दुआ कीजिए अपना ख्याल लगेगा, अच्छा से रहिए, अपना ख्याल रखोगे नादरा से सब का मात्रो। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि एक तो अपना इंडिया छोड़कर उसके बाद माँ को भी इस तरह से छोड़कर और इस तरह से विदा लेकर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पॉसिबल नहीं है, बट मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। और अम्मी और सभी लोग बहुत याद आएंगे, अपना घर, अपना देश और अपनी मम्मी सब याद आएंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़ा दुख के साथ मैं वापस जा रही हूँ, जिस तरह से इतनी खुशी के साथ मैं, जिस तरह से मैं आती थी। और जब भी मतलब इंडिया आना होता है बहुत खुशी के साथ आना होता है, और ठीक उसी तरह उसका उल्टा है, बहुत दुख के साथ वापस जाना पड़ता है। एकदम मेरा मन नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत मतलब अफसोस होता है। और ये देखिए कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट लाइक 10-15 मिनट्स में ये एयरपोर्ट आ चुका है और हम लोग आ गए हैं। और भाई ट्रॉली लेके आ रहा है, तो मैं बोले कि एक से दो ट्रॉली में तो होने वाला नहीं है, कम से कम 3 ट्रॉली होना चाहिए। तो फिर वो लोग ला रहे हैं, और भाई का भी आने का मन नहीं था एयरपोर्ट पर, बोला कि मुझे पहुँचाना अच्छा नहीं लगता है, ड्रॉप करना नहीं अच्छा लगता है। तो उसको मैं ज़बरदस्ती लेकर आई कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई जो है ना काफ़ी इमोशनल है, तो वो बोलता है कि पिक करना ज़्यादा पसंद है, बट ड्रॉप नहीं करूँगा मैं। तो फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उसको लेकर आए कि चलो फिर कम से कम तुम वहाँ से पहुँचा दो। ये देखो तो हम लोग आ चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर, और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से कोलकाता एयरपोर्ट का व्यू, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये भी एयरपोर्ट है कोलकाता का, और हम लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, तब से हम लोग वेट कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं डिपार्चर एरिया की तरफ, और यहाँ पर दिख गया स्वीट का शॉप एयरपोर्ट पर, और स्वीट भी लेना था, तो फिर सोचा हम लोग कुछ और भी स्वीट ले लेते हैं। एंड इसके बाद से हम लोग आ गए कोलकाता लाउंज, क्योंकि काफ़ी टाइम है, तो बस हम लोग बोर्डिंग हो चुका है, एंड इसके बाद से हम लोग लाउंज में आ चुके हैं, क्योंकि लाउंज में थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे। और इसके बाद से फिर वही मूड तो अच्छा नहीं है, काफ़ी सैड के साथ जाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे नादरा अपना एंजॉय कर रही है लाउंज में, जूस वूस वगैरह काफ़ी कुछ था खाने पीने का। तो उसके बाद हम लोग बस, मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रैवल में ज़्यादा भी नहीं खाया जा सकता है, बट हल्का फुल्का खाना ही पड़ेगा। और ये भी लाउंज अच्छा है कोलकाता का, और कोलकाता का लाउंज भी अच्छा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, और अच्छा है, सिस्टमेटिक था। जहाँ पे हम लोग बैठे वहीं पे चार्जेबल का पॉइंट था, जहाँ पे आप इजी मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है। और नादरा खा रही हैं अपना, एंजॉय कर रही हैं, और फिर हम लोग ने भी हल्का फुल्का खाया, क्योंकि लाउंज में बहुत सारा मतलब रहता है अलग अलग वैरायटी के फूड,
तो उसको हल्का मतलब हल्का फुल्का ही खाकर ही काफ़ी होता है। एंड इसके बाद देखिए हम लोग प्लेन में आकर बैठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग सेम फ्लाइट से फिर रिटर्न भी जा रहे हैं एयर अरेबिया से। ऑलरेडी आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही है बहरीन टू इंडिया का ट्रैवल व्लॉग, तो उसमें सब कुछ आप लोग ऑलरेडी देखा हुआ है। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे वापस जाने के लिए बहरीन, क्योंकि उन लोगों का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है और ये एग्ज़ाम भी होगा, तो वो लोग बस वेट कर रहे थे कि कब ये वेकेशन फिनिश होगा कि जाकर वो वापस फिर स्कूल स्टार्ट हो जाए। और ये देखिए काफ़ी भीड़ थी, यहाँ से अभी हम लोग कोलकाता टू आबू धाबी जाएंगे एंड इसके बाद फिर हम लोगों का नेक्स्ट फ्लाइट है आबू धाबी टू बहरीन। और बस मेरा मूड तो था ही मतलब सैड वाला, और बस मैं यही सोच रही थी कि बस मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वेकेशन जो होगा ना समर वेकेशन, बट मैं उसमें जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि अपना कंट्री किसी को मन नहीं करता है छोड़ने का और इस तरह से जाने का, तो बट क्या कर सकते। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं आबू धाबी लॉन्ज में, क्योंकि अभी टाइम है तो इसीलिए अभी लेआउट है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है टाइम, लाइक 3 आवर्स का कुछ है, तो बट हम लोग उसी में अपना अभी लॉन्ज में बैठेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे। लॉन्ज का ये फ़ायदा है कि खाने पीने के साथ साथ रेस्ट भी किया जा सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो बस अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं एंड आयशा रेस्ट कर रही हैं। और आप लोग ने आबू धाबी का ऑलरेडी ये एयरपोर्ट का एंड लॉन्च का वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग आबू धाबी एयरपोर्ट पर हैं एंड लॉन्च में हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छे एरिया में ये बना हुआ है, और इस तरफ भी है एंड अंदर साइड में भी है, तो जिसको जैसा जहाँ पर फ्री होकर रिलैक्स कर सकते हैं एंड रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर। माशाल्लाह बहुत एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी और बहुत अच्छा है। बट जहाँ पर भी रहो कोई से भी कंट्री में रहो, बट अपना इंडिया का बात ही अलग है, और मैं उसे बहुत मिस करूँगी अपने इंडिया का, जितनी अपनी फैसिलिटी अपने इंडिया में है वो कहीं नहीं मिलने वाली है, तो क्या कर सकते हैं। और बस अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और चाय पीने का मन कर रहा था, बट चाय अवेलेबल नहीं था तो कॉफ़ी था, तो वही कैपेचिनो कॉफ़ी, बट उसी में मतलब अभी विदाउट शुगर में पी रही थी, फिर सोचा कि इसमें शुगर है कम, तो फिर मैं मिक्स कर रही थी कुछ इस तरह से शुगर। और ये नादरा ने बना के लाया है क्योंकि ये सेल्फ वाला है, खुद से बनाना पड़ता है मशीन से, तो बस उसी तरह। और बस मैं इंजॉय करूँगी ये गर्म गर्म कॉफ़ी। अब टाइम हो चुका था और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस अपना फटाफट सही टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि जहाँ से नेक्स्ट जो फ्लाइट डिपार्चर होने वाली है वो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम लोग टाइम से पहले ही वहाँ पे हम लोग चले जा रहे हैं ताकि वहाँ पर बैठ के रेस्ट करेंगे और अच्छा रहेगा जितना टाइम पहले जाना। तो ये देखिए चलते चलते फिर कुछ इस तरह से अपना वो याद आ रहा था कि 1 मंथ पहले मैंने यहीं से यहाँ पर आकर मैंने इस तरह से वीडियो लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कैमल को देखकर, ये है गल्फ़ कंट्री की शान है कैमल को देखकर, तो कुछ इस तरह से दिख रहा था व्यू आबू धाबी एयरपोर्ट का, और बहुत ही याद आ रहा था कि हम लोग जब आ रहे थे तो कुछ इस तरह से एयरपोर्ट पे थे और फिर वापस जाना पड़ रहा है इसी एयरपोर्ट से। और देखिए अभी हम लोग आकर अपना पोजीशन ले लिया है, और हम लोगों को चाहिए था क्योंकि टाइम था, तो हम लोग सोचा कि रेस्ट करेंगे क्योंकि टाइम से पहले ही हम लोग आ चुके थे, तो जो भी है जितना भी रेस्ट करो ट्रैवल में फिर भी वो हरासमेंट तो रहती है, बट अगर जो चेयर हो जाता है ना वो जैसे लाइक लेटने वाला जो चेयर होता है रेस्ट करने वाला अच्छा वाला, तो फिर उसमें थोड़ा आदमी को और अच्छा आराम मिल जाता है। तो बस अभी हम लोग इस तरह से रेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी ये कंफर्टेबल सीट था वो। एंड इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ चुके हैं सेम एयर अरेबिया फ्लाइट में, और नादरा को तो विंडो ही सीट उनको पसंद है ज़्यादातर, तो बस वो अपना विंडो सीट वाला पोजीशन ले ली है। एंड आयशा हमेशा की तरह मिडिल में, एंड इसके बाद हस्बैंड हमेशा की तरह साइड में, तो बस हम लोग ज़्यादातर इसी तरह सीट होती है फ्लाइट में।
और बस सभी लोग टायर्ड हैं, सभी का हाल बुरा है कि जल्दी जाएं अपने घर एंड बाकी चीज़ें सेट हो जाए। बहरीन एयरपोर्ट बाथरूम, आपको ये लगता है नहीं कि नॉर्मल साइन जो दिखा रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। चलो फर्स्ट हाउ टू हैंड वॉश, तो ये ऑटोमेटिक है, ये तो ज़्यादातर आपने देखा होगा। ठीक है, तो सारी मिस्टेक हो गई थी पहले जगह पर रख दिया था। ये आ गया सोप, तो वॉश कर लो। अब यहाँ आ गया टिश्यू। ओके, कहाँ फेंक रही हो? और उसका ये है डस्टबिन। और चलो ये और आपने अभी जो देखा ये वॉशरूम का जो आयशा ने दिखाया है तो वो था बहरीन एयरपोर्ट का एंड काफ़ी वो इंटरेस्टिंग ये वॉशरूम था, तो इसलिए आयशा ने सोचा कि क्यों ना इसको दिखाया जाए कैसा है। और ये देखिए हम लोग अपना जो भी है बहरीन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत खुश हैं कि वो स्टार्ट जल्दी करेंगे स्कूल एंड चीज़ें भी बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी सेट करना है। एंड इसके बाद ये देखिए और आयशा फिर से ये दूसरा वाला दिखा रही कि जो भी एयरपोर्ट पे ये जो रहता है ना पानी पीने वाला, तो वो दिखाएगी कैसे ये पानी पी सकते हैं। ये वाला ये बटन है, इसको पुश करना है और क्या इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप ये लोग का मुझे पानी चाहिए आयशा। क्यों, तुम नहीं भर सकती? देखो हाँ ऐसे करो, हो गया। थैंक यू आयशा, मुझे भी दो। कैसे? और बस बच्चे इसी तरह मस्ती करते रहते हैं और आयशा ने आपको दो चीज़ सिखा दिया कि किस तरह से एयरपोर्ट पे इस तरह से अगर रहेगा पीने वाला सिस्टम तो ऐसे पानी पिया जा सकता है। और कुछ बस यही है एयरपोर्ट, बस हम लोग आ चुके हैं बट जो यादें हैं मम्मी की और अपने कंट्री की अपने घर की सब याद आएगी, बट कोई बात नहीं है आगे तो चलना ही पड़ेगा। और ये देखिए किस तरह से ये लोग क्लीनिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और मुझे बहुत ये यूनिक दिखा तो मैं सोची क्यों ना इसका भी वीडियो बना लिया जाए ताकि आप लोग भी देख लीजिए। जो भी ग्लासेस होते हैं एयरपोर्ट के, ये जो हाइट जो की बड़ी बड़ी होती है तो इस तरह से वो लोग क्लीन करते हैं। तो वही मैं देख रही हूँ कि दुनिया में कितना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है और लोग किस तरह से सिस्टमेटिक इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और जाएंगे घर और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सही सलामत बहरीन पहुंच चुके हैं और जल्दी ही प्लानिंग करेंगे फिर अपने कंट्री जाने का इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का इन में यही पे करती हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रैवल वीडियो। एंड इसके बाद देखिए हम लोग जैसे ही घर आए और ये फ्लफी का रिएक्शन तो देखना बनता है कि 1 मंथ के बाद से फ्लफी का क्या रिएक्शन है। और ये देखिए फ्लफी अभी पहचान नहीं रही है, इसको थोड़ा एकदम टेंशन हो गया सडनली हम लोगों को देख कर। फ्लफी भी थोड़ा थोड़ा पहचान रही बट थोड़ा डरी हुई है अचानक से हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह।